आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो बिस्किट से मोदक अपने गन्नू राजा के लिए। ऐसा हो सकता है कि गन्नू राजा आ रहे हैं और मैं मोदक ना बनाऊं उनके लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप भी जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इधर देखिए सारी सामग्री इस प्रकार है। 100-100 ग्राम के लगभग ये ड्राई फ्रूट है और ओरियो बिस्किट है। ये दूसरी कंपनी का है, आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जैसे पार्ले जी हो गया, गुड्डे हो गया, आप इस तरीके से मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। ये 10 रुपये वाला ओरियो बिस्किट है। इसे मिक्सी जार में मैं निकाल ले रही हूँ, एकदम इसका पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा शक्कर में डालूँगी, 2 चम्मच के करीब, साथ में ही पिस जाएगा इसके। ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से पाउडर तैयार कर लेंगे। इधर पैन को भी चढ़ा दिया है मैंने। 1.5 चम्मच लगभग मैंने घी ले लिया है, अमूल घी है ये। आपके पास कोई भी घी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस का जो फ्लेम है ना, एकदम धीमा ही रखेंगे ताकि ड्राई फ्रूट हमारे जले ना और अच्छे से भुन जाए। पहले बादाम ले लिया मैंने, काजू ले लिया, अच्छे से चॉप करके मैंने रख लिया था पहले ही, 100 ग्राम के लगभग है। और इधर देखिए थोड़ा सा अखरोट भी डाला है मैंने। जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हैं, मेरे पास यही हैं सारे। और अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और ये देखिए 100 ग्राम के लगभग ये नारियल का वो जो मोटा मोटा बुरादा होता है वही लिया है मैंने, और किशमिश भी साथ में ले लिया है। और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। हर साल की तरह मैं इस साल भी गन्नू राजा को अपने घर पे लेके आऊँगी और उनके लिए अच्छा अच्छा मोदक बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए ये जो है ना मुरादा, एकदम बारीक वाला मैं ले रही हूँ, ये भी 100 ग्राम के लगभग है। इसे भी अच्छे से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो आप भी ऐसे मोदक बना के अपने देवा को प्रसन्न करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री गणेशा। इधर देखिए कढ़ाई में मैंने 1/2 लीटर दूध को ना खोया बना लिया था। मेरे पास खोया नहीं था तो घर पे दूध था, तो उसका ही खोया बना के मैंने रख लिया था साइड में। और इसी में मैं मिक्स कर लूँगी सारे ड्राई फ्रूट को। घर का खोया रहता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे और एक बर्तन में इसे निकाल लूँगी मैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये भी बताइएगा। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद से ये देखिए जो पेस्ट बनाया था ना बिस्किट का, उसको भी डाल देंगे साथ में। आज दिन का गणपति राजा आते हैं मेरे घर पे, आपको एक से एक मोदक बना के मैं रेसिपी डालूंगी, आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। और इधर 1/2 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा बाइंडिंग हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मुट्ठी बन जाता है एकदम अच्छे से, तो मोदक बनाने में बहुत आसानी होती है। और ये देखिए जैम्स ले लिया है मैंने, ये चॉकलेट वाला जैम्स है ना, इसको बीच में डालेंगे। गन्नू राजा भी प्रसन्न और उनके भोग लगाने के बाद बच्चे भी पसंद आएगा उनको भी, तो दोनों खुश। तो इस प्रकार से देखिए बीच में थोड़ा सा मैं एक जैम्स डाल दे रही हूँ चॉकलेट वाला, फिर ऊपर से ये सारे फिलिंग को भर दूँगी और मोदक का शेप दे देंगे। ये मोदक बनाने वाला सांचा है मेरे पास, ये छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है।
हर साल मैं बनाती हूँ तो ऐसे मैं हमेशा रखती हूँ। ये देखिए ऐसे दबा देंगे अच्छे से। बढ़िया से दबा दबा के अच्छे से भर लेंगे फिलिंग को। ये देखिए अब इसे खोलेंगे तो एकदम अच्छे से निकलेगा मोदक का शेप। ये देखिए कितना प्यारा मोदक बन के रेडी हो गया है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और देवा को प्रसन्न करिएगा। ये देखिए कितना प्यारा मोदक बन गया है और टेस्ट तो लाजवाब है इसका। तो एक एक करके सारे मोदक इस प्रकार से बना लेंगे। ये देखिए मैंने केले के पत्ते पे सर्व करूँगी। ये देखिए सारे मोदक को तैयार कर लूँगी इसी प्रकार से। और ये देखिए रेडी हो गया है देवा को भोग लगाने के बाद। बच्चे लोग को भी ये दे दूँगी मैं एक एक, और एक तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को कितना बढ़िया से बन के रेडी हुआ है। और ये देखिए बीच में चॉकलेट जेम्स जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप भी बनाइए। और देखिए दूरवा रख के मैंने भोग लगाने के लिए गन्नू राजा को दे दूँगी। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर बनाइए और कमेंट में लिखिएगा आप लोग जय श्री गणेशा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।